चैनल, दिस इज डॉक्टर चंदन फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है दोनों ही बीमारियों के लिए, एंड दैट इज बुरी आदत जो आपकी है पान, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, एल्कोहल, ये छोड़ने की। इसको छोड़े बिना इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एजेंट है आपकी प्रॉब्लम में। ये उस चीज़ को बढ़ा रहा है, इरिटेट कर रहा है आपके ओरल म्यूकोसा को, तो इसको आपको बंद करना ही होगा। और जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे भाई मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर मैंने छोड़ दिया है, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो आपने अगर 10 साल से खा रहे हैं या 5 साल से खा रहे हैं, आपको 1-2 महीने में फ़र्क नहीं पता चलेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। 3-4 साल नॉर्मल टाइम है अगर आप आज भी छोड़ते हैं तो छोड़ना ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बुरी आदतों को कम्प्लीटली छोड़ना है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, जर्दा हो, कुछ भी हो, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ जिसमें सुपारी होती है। एक मेरी पेशेंट है, वो शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और वो सुपारी खाने की आदि थी, उनकी एज भी कोई खास नहीं है, एंड उनको प्रॉब्लम है कि उनका माउथ ओपनिंग खुलता नहीं है, माउथ ओपनिंग कम हो गया, उनका यूवला श्रिंक हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे यही बता सकते हैं कि इस अभी के लिए आप सुपारी खाना बंद कीजिए, लेकिन उन्हें आदत है, वो छूटेगी, ये उनके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय एडवाइस देने के। तो कोई भी मेडिसिन तभी असर करेगी आप पे अगर आप जो पॉजिटिव एजेंट है, जो बीमारी का जो बढ़ा रहा है जो चीज़ बीमारी को, उसे बंद करें। तो किसी भी तरह का पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी आदि कोई भी चीज़ ऐसी है उसको कम्प्लीटली छोड़ दें। उसके बाद बात करते हैं OSMF में पार्ट 2 की, दैट इज़ एक्सरसाइज, माउथ एक्सरसाइज, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी हुआ है, अगर नहीं देखा तो मैंने ऊपर टैग कर दिया है, अभी उसे आप देखिए और समझिए कि क्या क्या कर सकते हो आप माउथ ओपनिंग बढ़ाने के लिए। उनमें मोस्टली जो सबसे कॉमन एक्सरसाइज है वो है बलून। तो हम बलून को फुलाते हैं जब, तो गालों पर जोर पड़ता है, तो आप दिन में आप एक बलून लीजिए, उसको 15-20 बार फुलाइए, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। और भी कुछ एक्सरसाइज हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आती है बात डाइट की, डाइट भी दोनों में कॉमन ही है, लेकिन आप सिर्फ अगर OSMF की बात करें तो OSMF में आप टमाटर, गाजर, हल्दी, इसका अगर यूज़ ज़्यादा बढ़ाएंगे अपने खाने में, या इनकी एक्सट्रैक्ट वाली मेडिसिन भी आती है वो आप ले लें, तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। टमाटर, गाजर और हल्दी में ऐसा क्या होता है जिससे हमें रिलीफ मिलता है, तो उनमें बीटा कैरोटीन या फिर क्यूकर्मिन या लाइकोपिन एक्सट्रैक्ट होते हैं जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है, तो उसकी अपनी डाइट को इम्प्रूव करें या फिर इनकी एक्सट्रैक्ट वाली जो मेडिसिन आती है वो कप ले लें। उसके बाद आते हैं इंट्रालीजनल इंजेक्शन फॉर OSMF, वो डॉक्टर ही दे सकते हैं आपको, आपको उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, पर इतना जानना जरूरी है कि वो इंट्रालीजनल होते हैं, जहाँ पे आपके लीजन्स बने हैं वहीं पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट के इंजेक्शन होते हैं, तो आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी कहने को लास्ट ऑप्शन है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, और ट्राई करें कि हम सर्जरी तक पहुँचें ही ना, मैलिगनेंसी तक जाएं ही ना। तो सर्जरी तक ना जाना है तो इसलिए हमें चीज़ को पहले ही रोकना है। सर्जरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, स्कैलपल और लेज़र। ये बात थी OSMF की। अगर हम बात करें ल्यूकोप्लेकिया की, तो पहली चीज़ तो कॉमन थी कि हमने पान, तंबाकू, जर्दा, एल्कोहल सब छोड़ना है। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। थर्ड थिंग इज़ कि वो डॉक्टर्स आपके जो हैं वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं फॉर बायोप्सी एंड ऑल, और उसके बाद आपकी सर्जरी के लिए आपको बोल सकते हैं। तो सर्जरी उसमें भी 2-3 टाइप की होती है, जैसे स्कैलपल है, लेज़र है, कायरो सर्जरी है, तो उसमें भी 2-3 ऑप्शन है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं आपको एडवाइस दूँ एज अ डॉक्टर टू पेशेंट, मैं आपको बोलूँ कि इस चीज़ को आप इनिशियल स्टेज पर अगर रोक लेना तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो उसको रोकिए। कैसे रोकेंगे? पॉजिटिव एजेंट जो है मोस्टली कॉमनली जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में वो यही है कि पान, तंबाकू, जर्दा, एल्कोहल, ये हम छोड़ नहीं पाते और बार बार छोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो चीज़ और बढ़ती रहती है। तो उस साइकिल को टूटने नहीं देना है। अगर आप छोड़ रहे हो तो कम्प्लीटली छोड़ना है, बिकॉज बिना छोड़े तो उसका इलाज पॉसिबल है नहीं। इवन अगर आप OSMF के केस में सर्जरी करवा लेते हैं, आपकी माउथ ओपनिंग खुल जाती है, लेकिन आप इस चीज़ को, बुरी आदत को छोड़ते नहीं हैं, तो वो दोबारा बंद हो जाएगी। इवन आप छोड़ भी दें फिर भी उसके चांसेस है कि वो बंद हो जाएगी। तो
आप खुद जानने कि क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको डॉक्टर पल्ला ने बताया था कि वो इसमें जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, ओलिगोप्लेकिया प्री मेलिग्नेंट लीजन है, तो दोनों ही खतरनाक है। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन और प्री मेलिग्नेंट लीजन है, तो मेलिग्नेंसी तक हमने उसको नहीं लेके जाना है, पहले ही उसकी रोकथाम करनी है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजन। सी यू टुमारो।